बहुत दिन हुए, बेबीलोनिया में एरीच नाम का एक नगर था। जीलगामेश वहाँ का राजा था। उसने नगर के चारों ओर एक बड़ी ऊंची दीवार खड़ी की थी और उसमें एक आलीशान मंदिर भी बनवाया था। जीलगामेश अत्यंत ही रूपवान व्यक्ति था। इसके साथ साथ उसके शरीर में अपार शक्ति थी, इसीलिए नगर की प्रजा उससे हमेशा भयभीत रहती थी। वे भगवान से प्रार्थना करते रहते थे कि उनको अभय दान दिया जाए। उनकी प्रार्थना सुनकर देवताओं को दया आई। उन्होंने अनकीदु नाम के एक आदमी को जन्म देकर एरीच में भेजा। उन्होंने सोचा अनकीदु जीलगामेश के समान ही बलशाली होगा और वह उसको संभाल कर नगरवासियों को अभयदान प्रदान करेगा। इस प्रकार अनकीदु एरीच आया और जीलगामेश के साथ उसकी लड़ाई होने लगी। काफी देर तक दोनों योद्धाओं की लड़ाई होती रही, परंतु अंत में जीत हुई जीलगामेश की। लेकिन अनकीदु का शौर्य देखकर जीलगामेश बहुत प्रसन्न हुआ। इसीलिए जब लड़ाई खत्म हुई तब दोनों मित्र बन गए और भविष्य में आपस में लड़ाई नहीं करने की प्रतिज्ञा कर ली। इसके बाद दोनों प्रतापी मित्र साहसपूर्ण कार्य करने निकले। वे एरीच से काफी दूर निकल गए और सरों के जंगल में पहुंचकर उसके रखवाले को, जो एक भयानक दैत्य था, और वहां की बहुत सी लकड़ियों को काट काट कर अपने नगर में लाते रहे। किंतु जीलगामेश और अनकीदु की सफलता ने अन्यों के हृदय में प्रेम अथवा घृणा की भावना उत्पन्न कर दी थी। इसीलिए एरीच की नगर रक्षिका इत्सर में जीलगामेश के साथ शादी करनी चाही। उसने शादी का प्रस्ताव भी भेजा, परंतु जीलगामेश ने उसे अस्वीकार कर दिया। इस पर इत्सर को बहुत ठेस लगी। उसने देवताओं से प्रार्थना की कि वे एक जंगली बैल को एरीच भेजें, जो नगर को तहस नहस कर सकता था। देवताओं ने उसकी पुकार सुन ली और उन्होंने एक अत्यंत शक्तिशाली जंगली बैल को एरीच में भेज दिया। बैल आया और उसने नगर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। परंतु जीलगामेश और अनकीदु ने मिलकर उस जंगली बैल को भी जान से। अब तो एरीच की प्रजा खुशियां मनाने लगी, परंतु देवताओं द्वारा भेजे गए उस पवित्र बैल के दोनों योद्धाओं का पतन शुरू हो गया। देवताओं ने अनकीदु को शाप दिया और वह उसी दिन से बीमार हो गया और कुछ ही दिनों में। जीलगामेश ने अपने परम मित्र को मरते देखा तो स्वयं डर सा गया। मित्र की मृत्यु पर वह बहुत रोया। उसके अंतिम क्रियाकर्म के बाद उसने अपने शिल्पकारों को आदेश दिया कि वे सोने और हीरों की अनकीदु की एक विशाल मूर्ति बनावें। इसके बाद जीलगामेश सोचने लगा, मृत्यु कितनी बुरी होती है जो दो परम मित्रों को भी अलग थलग कर सकती है। क्या इससे बचना संभव नहीं है? उसे पहले से मालूम था कि यूनान में नोवा नाम का एक आदमी रहता है जिसे अमरता प्राप्त हो चुकी है। अब वह उसकी खोज में निकल पड़ा। इसके लिए उसे बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ी। रास्ते में बड़े बड़े पर्वतों को लांघा। एकाध बार उसे बहुत तेज तूफान के बीच से गुजरना पड़ा। जंगलों में जाते समय जंगली जानवरों के मध्य से भी निकलना पड़ा। इन सब कठिनाइयों के बावजूद उसे कई कई दिनों तक भूखे प्यासे रहना पड़ा। अंत में वह नोवा के स्थान पर पहुंच गया। उसने इस बारे में नोवा से बातचीत की। इसी व्यक्ति ने जलप्लावन के समय संसार के एक जोड़ी जीवों को बचाया था और इसीलिए उसे अमरता प्राप्त हुई थी। परंतु नोवा अमरता प्राप्त करने का कोई रास्ता नहीं बता सका। उसने जीलगामेश को बताया कि एक बार भगवान एनील ने संसार को जलमग्न करके उसे डुबो देना चाहा, क्योंकि पृथ्वी के कोलाहल से उसकी नींद भंग हो रही थी। एहा नाम के देव ने नोवा को यह सूचना दे दी थी और उसने उसे यह भी आदेश दिया था कि वह एक बड़ी नाव बनाकर उसमें हर जीवधारी की एक एक जोड़ी को उसमें रख ले। नोवा ने ऐसा ही किया। जब संसार जलमग्न हो गया तब नोवा अपनी पत्नी और जीवों की जोड़ी के साथ उस नाव में चला गया। इस प्रकार जब बाढ़ शांत हुई
तब एहा ने भगवान एनील को शांत किया और नोवा और उसकी पत्नी को अमरता प्रदान करवाई, क्योंकि जलप्लावन के समय पति पत्नी ने ही पृथ्वी के जीवों की रक्षा की थी। अब जिलगामेश नोवा के घर से हताश होकर लौटने ही वाला था कि उसकी पत्नी को उस पर दया आ गई। उसने जिलगामेश को बताया कि समुद्र में एक प्रकार की वनस्पति पाई जाती है जिसका सेवन करने से शरीर में हमेशा यौवनावस्था बनी रहती है। जिलगामेश उसकी खोज में समुद्र की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने अपने पैरों में एक भारी पत्थर बांधा और समुद्र में डुबकी लगा दी। गहरे समुद्र में उसे वह वनस्पति भी मिल गई। वह उसे लेकर खुशी खुशी ऊपर आया। उसने सोचा कि वह अपने नगर में चलकर इसे खाएगा और अपने नगरवासियों को भी खिलाएगा। परंतु जब वह समुद्र में नहा रहा था, तब एक सांप उस वनस्पति को चुराकर भाग खड़ा हुआ। इस प्रकार जिलगामेश की आशा निराशा में बदल गई और वह भारी मन से एरीच लौटा। अब उसे विश्वास हो गया कि जो मृत्यु सबको खा जाती है, उससे किसी को भी बचाया नहीं जा सकता।